नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। हल्द्वानी में रिंग रोड के पुराने प्रस्तावित सर्वे के अचानक बदले जाने से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बीते कुछ दिनों से लामाचौड़ और कमलवागांजा क्षेत्र में सर्वे टीम के जरिए रोड के दोनों तरफ 22.50 मीटर यानी कुल 45 मीटर भूमि नाप कर ग्रामीणों के खेतों, भवनों, दुकानों आदि पर निशान लगाए जा चुके हैं। ये रिंग रोड पूर्व में लामाचौड़ से जंगल किनारे वन भूमि पर प्रस्तावित थी, लेकिन अचानक लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसे लामाचौड़ कमलवागांजा में ग्रामीणों की भूमि, भवन और दुकानों के बीच से बनाने का फरमान देकर क्षेत्र का विनाश करने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें, लोगों का कहना है कि सर्वे के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि रिंग रोड की नाप में ग्राम सभा कमलवागांजा, बजीनगर, रामपुर, लामाचौड़, लामाचौड़ खास, कुरिया गांव के लामाचौड़ से कमलवागांजा मार्ग में बसे लगभग सभी ग्रामीणों की कृषि भूमि, दुकानें और भवन रोड के नाप के भीतर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बता रहे, क्षेत्र के लोगों ने आज SDM को ज्ञापन सौंपकर तुरंत सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है लिंक रोड के जो मार्ग की चौड़ाई है उसके संबंध में, और ये भी अवगत कराया गया है कि यदि चौड़ाई कम रखते हैं तो इसमें सहमति मिलने के आसार हैं, तो इसमें संबंधित विभाग के साथ बैठ के ग्रामीणों के संग समुचित वार्ता की जाएगी। चौड़ कमलवागांजा क्षेत्र के ग्रामीण जो हैं SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो हम मुख्यमंत्री जी को पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें मामला ये है कि जो ये रिंग रोड कमलवागांजा से बंदी है, पहले ये जंगल के तरफ से बंदी थी, लेकिन अब लामाचौड़ से कमलवागांजा चौराहे होते हुए लोगों के खेतों के बीच से, और जिसमें सारे ग्रामीणों के मकान, दुकान और घर सब प्रभावित हो रहे हैं, सब टूट रहे हैं, सब ध्वस्त हो रहे हैं। और PWD द्वारा जो ये तुगलकी फरमान निकाला गया, अचानक किसी को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, अचानक से सर्वे किया गया और खेतों में, घरों में सब निशान लगा दिए गए, खूंटे गाड़ दिए गए, जिससे हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों में बहुत भय का माहौल है और सब दहशत में है कि कल के दिन हमारे सर से छत छीनने वाली है। विशाल जोशी, मांगे क्या हैं? जो हमारे यहाँ पर रिंग रोड प्रस्तावित की गई है अभी, तो उससे जनता में आक्रोश भी है और डर भी है। इससे क्या है, हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी भी होगी, और यहाँ पर किसान लोग हैं जो कि सरकार कहती किसान बढ़ाओ, किसान के प्रति बहुत 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 वादे करती है, लेकिन आज किसान को भूमिहीन करने की सरकार की साजिश है, जिसमें काफ़ी किसान जो कि केवल किसान से ही, किसानी से ही निर्भर हैं, जिनके पास किसानी के अलावा कोई आय का साधन नहीं है, आज वो किसान परेशान है। 2017 के लगभग इस रिंग रोड की सर्वे फॉरेस्ट से की गई थी, जो कि आज अचानक PWD वाले आते हैं और इस रिंग रोड की सर्वे बीच गांव से कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये रिंग रोड हमारे यहाँ पे कैंसिल की जाए, जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।